आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रुप डी में आने वाले मैथ के उस टॉपिक का जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, यानी कि 17 अगस्त की प्रत्येक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया था, तीनों शिफ्ट में 18 अगस्त की तीनों शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ कि यूट्यूब पे क्या इस टॉपिक को सही ढंग से पढ़ाया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे इस टॉपिक को सही ढंग से पढ़ाया गया। तो मैं आज आपको एक निश्चित समय में इस टॉपिक को बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करता हूं, और इस पर आधारित कोई भी प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं में फेज़ टू की, फेज़ थ्री की, या फिर जो नेक्स्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है उसमें अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो आप बेझिझक और बड़े आराम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग टॉपिक की। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें दो तीन बता देता हूं, उस पर आप लोग चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है, क्या मानक समीकरण जिसे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल। यानी कि अगर इसको लिखा जाए तो लिखने का तरीका ऐसा होता है, यदि आप किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अगर मान लें कि इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो किस तरीके से लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल। अब अगर मैं बात करूं कि इस द्विघात समीकरण के रूट्स का नेचर यानी मूलों की प्रकृति क्या होती है, तो उस पर चीज़ों को मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उन बच्चों से भी आप कंफर्म कर लीजिए जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम दिया है, आपको पता चलेगा कि हर एक शिफ्ट में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आगे। देखिए, मूलों की जो प्रकृति होती है किसी भी द्विघात समीकरण के, मान लीजिए एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, और इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा। ये मूलों की जो प्रकृति होगी कि ये मूल ऋणात्मक होंगे, धनात्मक होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, परिमेय होंगे, परिमेय नहीं होंगे, ये किस बात पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है d के मान पर। और अगर यहाँ पर d की बात करें तो d को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी कि हिंदी में अगर बात की जाए तो विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। सर, इस बात पर कैसे डिपेंड करती है और ये d क्या होता है? तो आपको छोटी सी एक बात बता दें कि जो d होता है इसका मान b स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर होता है। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक, अब यहाँ पर जो b और c है, b c a, अगर आप इसको देखें तो x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का जो गुणांक होगा उसको हम लोग b कहते हैं, और जो कांस्टेंट पद होता है यानी कि नियत पद होता है वो c कहलाता है। तो ये ए बी सी के मान द्विघात समीकरण से ही मिल जाते हैं। ठीक, अब इस पर मैं आगे बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि डी का मान यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है जिसका मान बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी था, अगर ये मान कौन सा यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ये जीरो से बड़ा होता है, तो जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न में होंगे। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग होंगे। अब वास्तविक मूल धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, इस ये दोनों हो सकते हैं, वास्तविक होंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और अलग अलग होंगे। भिन्न होने का मतलब अलग अलग होंगे, इस बात को भी लिख देते हैं कि ये अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे ये भिन्न, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन से नहीं है, अलग अलग।
अगर d का मान 0 के बराबर होता है अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ गया, तो दो स्थितियां बनती हैं, एक बार मूल वास्तविक होंगे और एक बार बराबर होंगे। यानी कि आप ये समझिएगा कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, या आप ऐसे कह दीजिए कि b स्क्वायर का मान 4ac के बराबर है, तो मूल वास्तविक भी होंगे, जो इसके रूट्स होंगे वास्तविक भी होंगे, रियल होंगे, और बराबर होने का मतलब इक्वल होंगे। अगर एक मूल प्लस चार है तो दूसरा मूल भी प्लस चार ही होगा, एक मूल अगर माइनस का तीन है तो दूसरा मूल भी माइनस तीन होगा। और इसी बराबर मूल को कई बार सवालों में पुनरावृत्ति मूल के नाम से भी प्रश्न दिया जाता है, पुनरावृत्त मूल भी कहा जाता है, बराबर मूल को ही पुनरावृत्त मूल भी कहा जाता है, यानी कि रिपीटिंग रूट्स भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। तीसरी एक स्थिति बनती है कि अगर d का मान यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर वो जीरो से छोटा है, तो भाई अगर कोई भी चीज़ जीरो से छोटी होती है तो वो ऋणात्मक हो जाती है, और अगर d का मान जीरो से छोटा हो जाता है तब इसके मूल आभासी यानी कि काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे, और डिस्टिंक्ट होंगे यानी कि भिन्न होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक, क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे और भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। इमेजिनरी रूट्स का मतलब, आभासी मूल का मतलब ये होता है जब आप किसी चीज को रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म में लिखे। जैसे मैं आपसे कह दूं कि रूट के अंदर लिखा है माइनस तीन, तो ये संख्या एक काल्पनिक संख्या है, एक आभासी संख्या है। इस संख्या का हमारी गणित में कोई इस्तेमाल नहीं होता है, ये हमारे दिमाग की केवल एक उपज, ये आभासी संख्या। आपने पढ़ा होगा कि आई स्क्वायर जो होता है, आयोटा का स्क्वायर, उसका मान माइनस वन होता है। तो ये क्या होती है? ये भी आभासी संख्या होती है, और इसी से ये निकल कर आता है। तो आपको मेन मुद्दे की बात ये याद रखनी है कि अगर d का मान जीरो से छोटा होगा तो मूल आभासी होंगे और भिन्न होंगे। ये तीन बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे आपको आगे के प्रश्नों की जानकारी कैसे करना है इस बात का पता चलेगा। ठीक, अच्छा, इसमें एक स्थिति, एक कंडीशन और बनती है, जरा उसको सुन लीजिएगा। जो पहली वाली कंडीशन थी कि d का मान अगर जीरो से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें दो कंडीशन और बनती हैं, जरा उसको समझिएगा कि अगर डी यहां पर परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो इसके जो रूट होंगे यानी कि जो मूल होंगे वो रेशनल रूट्स होते हैं, यानी कि परिमेय में होते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में होंगे, रेशनल रूट्स होंगे। कब? जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, डी का मतलब यही। और एक कंडीशन ये होती है कि जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्रॉस लगा दे रहे हैं, नहीं होता है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो इसके जो रूट्स होते हैं यानी कि जो मूल होते हैं भैया, वो इरेशनल रूट्स होते हैं, यानी कि अपरिमेय रूट्स होते हैं, इरेशनल्स होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखना ही होगा। अब कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाता हूँ। हमने तीन एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखे हैं, आप चीज़ों को ध्यान से समझते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि बताइए कि इसके मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, और मूल क्या क्या होंगे। दोनों चीज़ें, पहला क्वेश्चन पूछा मूलों की प्रकृति कैसी होगी, और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि मूल जो होंगे वो क्या क्या होंगे, मूल क्या क्या होंगे यानी रूट्स क्या क्या होंगे। ठीक, ये दो बातें पूछ ली पहले क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति के लिए मैंने आपको बताया था कि मूलों की प्रकृति डी पर निर्भर करती है,
और डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट। तो इस इक्वेशन की तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से कर लेते हैं। अब आप देखिए और बताइए कि अगर हम पूछें कि a का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 5 और c का मान 6 होगा। यहाँ रखते हैं, देखिए b का मान है 5, तो 5 का वर्ग 25 माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान आपके पास 6 है। आपके पास क्या आया भाई, आपके पास आ गया 25 माइनस 24, 25 माइनस 24 यानी कि 1 आ गया, यानी D जो आ गया आपके पास वो 1 आ गया है। अब सुनिएगा सर, अगर D 1 आ गया, इस बात को आप समझ पाए हैं ना बहुत प्यार से और एकदम आराम से, कोई समस्या तो नहीं। अगर D 1 आ गया तो आप कहेंगे सर D का मान जो है वो 0 से बड़ा है, और अगर D का मान 0 से बड़ा है तो आपने अभी सीखा है कि मूल कैसे होंगे। सर मूल वास्तविक होंगे यानी रियल होंगे, और भिन्न होंगे यानी कि अलग अलग होंगे। तो आपको एक चीज पता चल गई कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, पहली काम। दूसरा प्रश्न ये था इसमें कि इसके मूल क्या क्या होंगे। अब देखिए मूल कैसे निकालने हैं, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या करना होता है, मूल निकालते कैसे हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 बराबर में 0। मूल निकालने की कंडीशन क्या है क्या नहीं है आप समझ लो। दो मूल होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के, पहला रूट माइनस बी रूट के अंदर डी अपॉन 2a, और दूसरा माइनस बी माइनस रूट डी और अपॉन 2a। अब b का मान क्या है, पहला मूल निकालना है। देखिए b का मान 5 है तो माइनस का 5, d का मान आपने 1 निकाल लिया है, 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा, और नीचे 2a का मतलब 2 रहेगा। सेम काम यहाँ करेंगे, माइनस 5 लेकिन ये माइनस हो जाएगा और अपॉन 2। अब आप देखिए ये माइनस 4/2 तो माइनस 2 आएगा, और माइनस 6/2 का मतलब माइनस 3, तो आपके पास दो रूट आ जाएंगे माइनस 2 और माइनस 3। इस चीज को आपको ध्यान से समझ कर लिखना है, ये जो फॉर्मूला है दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी आप कहोगे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे साथ आपको वीडियो को पूरा देखना और समझना होगा ताकि चीज़ों को आप पूरा समझ पाए। अब एक ये द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी डिपेंड उसी बात पर करेगा कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो क्या आएगा क्या नहीं। अब बी का मान क्या है सर, 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4, ए का मान है 4 और सी का मान है 9। 144 इधर आ गया, 144 यहाँ पर आ गया माइनस, देखिए 4 चौको 16, 16 नवैया 144, तो ये तो कट के जीरो हो गया, यानी आपने देखा कि डी का मान शून्य आ गया। और डी अगर जीरो के बराबर होता है तो क्या होता है, तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और कॉमा कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी कि दोनों मूल एक जैसे होंगे। अब दोनों मूल एक जैसे होंगे, मूल निकालते कैसे हैं जैसे ये लिखा था। अब मित्र आप ये एक चीज समझो कि मूल निकालने के लिए आपने d का मान जीरो निकाल लिया है, d का मान क्या कर लिया है जीरो। तो अगर मूल चाहिए तो मैं एक बार फिर फॉर्मूला लिखता हूं, माइनस बी रूट ऑफ डी अपॉन 2a, और दूसरा क्या होता है माइनस बी माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ठीक। अब अगर डी जीरो आपने निकाल लिया है तो ये हिस्से तो खत्म हो गए, डी तो जीरो हो गया, केवल हमें बी अपॉन 2a से लिखना है, मतलब है ना। तो आप देखिए बी क्या है यहाँ पर सर, 12 है तो माइनस 12 अपॉन 2a, देखिए तो 4 दूनी 8 आएगा, बोले आएगा सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी क्या आ जाएगा सेम, जब क्योंकि मूल बराबर है तो माइनस का 12/8, 4 से डिवाइड करिए तो पहला मूल भी 3/2 होगा और दूसरा मूल भी माइनस का 3/2 ही होगा, दोनों मूल आपके पास क्लियर हो गए, क्लियर। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, समझिएगा मूलों की प्रकृति और मूल अगर दोनों बातें ही पूछ दी गई तो मूलों की प्रकृति के लिए डी का मान क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब बताइए b क्या है सर, 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a भी 1 है और c भी 1 है,
तो एक माइनस चार अगर लिखेंगे तो अपने पास माइनस तीन आएगा। माइनस आ गया तो आपने कहा कि सर जी अगर d का मान माइनस तीन है तो हम देख रहे हैं कि d का मान जीरो से छोटा है, और सर अगर d का मान जीरो से छोटा है तो मूल कैसे बनते हैं? सर मूल आभासी और आभासी बनते हैं और भिन्न बनते हैं, यानी कि अलग बनते हैं, आभासी इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट। अब इसमें भी सेम कंडीशन, अगर मूल पूछा गया है तो क्या करेंगे सर? अगर मूल पूछा गया है तो माइनस का b, b क्या है? एक, प्लस रूट ऑफ d। अब d देखिए आपने क्या निकाला है, माइनस का तीन बटे टू, एक ये आ गया। दूसरा मूल क्या आएगा? बस इस प्लस की जगह माइनस लिख देना है, तो माइनस माइनस रूट के अंदर माइनस थ्री अपॉन टू, ये दूसरा मूल आ गया। क्लियर है? तो आपको मूलों के लिए इस फॉर्मूले का हमेशा याद रखना होगा, ये बहुत प्यारी बात है। इन तीन चीज़ों को आप याद रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। और मैं अब चल रहा हूँ पेपर में आए हुए प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न ये है जो कि आरआरबी की परीक्षा में 22 मई 2005 को 19 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, आप चेक कर लो। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर बी बराबर जीरो के दो वास्तविक हल हैं, दो रियल वैल्यूज हैं इसके, दो रियल मूल हैं, तो बी का मान क्या होगा? ये अपने पास ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये चार ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे वास्तविक मूल पूछा है तो वास्तविक मूल के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं? बोले सर वास्तविक मूल के लिए शर्तें हमारे पास दो होती हैं, याद रखनी होगी, या तो d जीरो के बराबर हो और या फिर d जीरो से बड़ा हो। d जब जीरो के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, जबकि अगर d जीरो से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कहा है दो वास्तविक मूल है, b का मान पूछ रहा है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा के इस पर चेक करता हूँ क्या आंसर आएगा, क्योंकि ग्रेटर और यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए हम चल रहे हैं। ठीक, अच्छा, और कोई भी मूल बराबर नहीं आ रहा, तो अब देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर बी कितना है? चार, चार का वर्ग सोलह माइनस चार, ए का मान कितना है? चार, और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है चार, नहीं, ए का मान है एक और सी का मान है चार बराबर जीरो। यहां से आपको मिलेगा क्या? अब आपको ये देखना है कि ये अपने पास कांस्टेंट टर्म था, ये c है, तो c पूरा रखेंगे 4b, ये हिस्सा उधर जाएगा, तो 16 यहां पर आ जाएगा 16b, चार चौको 16b। अब देखिए 16 से 16 कट गया, यानी कि ये आया 1 इज ग्रेटर देन b, यानी b का मान 1 से छोटा होगा। किसमें ये बात लिखी है कि 1 जो होगा वो b से बड़ा होगा? बोले सर ये ऑप्शन लिखा है जिसमें आप ये बात कह रहे हैं, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? मूलों की प्रकृति से कांस्टेंट टर्म भी निकलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, और ये 17 दिसंबर 2018 की परीक्षा थी, जिसमें ये प्रश्न है आपके पास। प्रश्न को पढ़ लेते हैं, क्या कहता है? एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 के एक्स प्लस 13.5 के पुनरावृत्त मूल हैं। पुनरावृत्त मूल का मतलब होता है रिपीटिंग रूट्स हैं, और रिपीटिंग रूट्स आपको कब मिलते हैं ये आपने अभी कंडीशन पढ़ी थी, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए रिपीटिंग रूट्स कब मिलते हैं। तो ध्यान से समझना होगा कि सर आपने बताया था रिपीटिंग रूट्स का मतलब, यानी कि पुनरावृत्त मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुनरावृत्त मूल को ही हम लोग कहते हैं बराबर मूल। क्या कहते हैं? बराबर मूल, बराबर मूल, ये तो कहते हैं। बोले हाँ सर यही कहते हैं। ठीक है, तो अब पुनरावृत्त मूल बराबर मूल है, तो इसका मतलब ये तब होता था सर जब d का मान जीरो के बराबर होता है। तो लिख दीजिए d क्या होता है सर? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि ये जीरो के बराबर, तभी तो होता है। डी का मान अगर जीरो होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, ये तो पढ़ा है। तो b का मान क्या है? अब समझना, x को छोड़ दीजिए, तो ये पूरा है b। क्या है b? 4.5 के बराबर 4 ac, उधर लिख लेते हैं 4, a की जगह क्या आएगा?
वन, और देखिए सर सी की जगह क्या आएगा, सी की जगह ये पूरा कांस्टेंट टर्म यानी कि 13.5 के, ठीक। अब 4.5 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम करें तो आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि 45 का स्क्वायर करना है तो आपको हो गए 25 और 5 को 20, 20.25 हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर, 20.25 के स्क्वायर, और यहाँ इसका गुणा कर लीजिए तो 13×52 तो सीधे हो गया, आधे का गुणा 4 में और करेंगे 2 और आ जाएगा, 52 और 2 54 के, एक के से ये के कट गया। तो अब आपके पास क्या दिख रहा है, बोले सर हमारे पास दिख रहा है के बराबर 54/20.25, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, ये अपने पास ऑप्शंस है, क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए सॉल्व करते हैं, 5 से काटा, 5×1 5, 5×8 40, 0×5 = 20 और 5×5 = 25, फिर 5 से काट लेते हैं, 5×2 = 10, 5×1 = 5 और 5×6 = 30, 5 से काटेंगे कितना बचेगा, 5×8 = 40, 5×1 = 5, 216/81 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, के का मान आ रहा है 216/81। अब देखिए ऊपर भी संख्या 9 से कट रही, नीचे भी 9 से कट रही, 9×2 = 18, 3 बचेगा, 9×4 = 36 और 9×9 = 81, 3×8 = 24, 3×3 = 9, 8/3, के का मान आपको क्या मिल रहा है, 8/3। अब जब के का मान 8/3 मिल रहा है तो आप ये देखोगे और समझने का प्रयास करेंगे कि पुनरावृत्त मूल थे यानी एक जैसे होंगे, और एक जैसे मूल होने का मतलब जो होगा के का मान क्या मिल जाएगा आपको, 8/3। बोलो ठीक है क्या, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगले सवाल की ओर रुझान ले लेते हैं, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 1 से 5 दिसंबर 2018, वास्तविक हल नहीं है। तो वास्तविक हल कब नहीं होता है, अगर मैं आपसे कहूं किसी भी द्विघात समीकरण का अगर वास्तविक हल नहीं है तो वास्तविक हल तभी तो नहीं होगा जब हल काल्पनिक होगा, और हल काल्पनिक कब होता है, आपने पढ़ा कि जब डी का मान 0 से छोटा होता है, तो बस सॉल्व कर देना है, यानी कि b²-4ac जो होगा वो 0 से छोटा होना चाहिए। सॉल्व करते हैं, देखिए b का मान क्या मिलेगा आपको यहाँ से, 2k, तो हो जाएगा 4k²-4, a का मान क्या है 3, c का मान क्या है, अगर मैं c के मान की बात करता हूँ तो c का मान कांस्टेंट टर्म यानी कि k होगा और ये लेस देन 0 आ रहा है, ठीक। यहाँ से आपको मिला 4k² और यहाँ से मिलेगा माइनस का 12k < 0, तो आप लिख लीजिए 4k² < 12k, के से के कैंसिल कर लीजिए तो के का मान यहाँ पर आपको मिलेगा 3, लेस देन, के का मान किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। तो अगर के का मान 3 से छोटा है तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहले तो ये चेक कर लो, जिसमें के का मान 3 जो है वो के से बड़ा है, यानी के का मान 3 से छोटा आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है के 3 से बड़ा है, नहीं हो सकता, के का मान 3 से छोटा दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे भी कह रहा है के 3 से बड़ा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये कह रहा है के का मान 0 से छोटा है, 0 जो है के से बड़ा है तो ये भी बात सही है, के का मान किससे छोटा दिख रहा है, 3 से, यानी 3 जो है वो के से छोटा है। तो अब आप एक समझो कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा कि के जो होगा वो 3 से तो छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा हो भी सकता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। कमेंट से जरूर बताइए कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। एक और सवाल देख लीजिए, अल्फा बीटा 2x²+7x-4 = 0 के मूल है, तब वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होता है। अब एक चीज को समझना है आपको कि जब हमने अपने पास मूल दिए होते हैं और उनसे द्विघात समीकरण बनाना होता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया आपने अपनाई थी अभी शुरुआत में, आप कहते हो कि जो मूल होता है जिसका समीकरण चाहिए तो लिखते हो आप मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। अब अगर मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है तो इनकी जगह अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा और इसकी जगह अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का मान अगर हमें पता चल जाए तो सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ,
मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं तो यहां पर जो मूल है अल्फा और बीटा, इनका योगफल क्या आएगा? मूलों का योगफल होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो बी क्या है सर? 7। ए क्या है? 2। तो माइनस का 7/2। और मूलों का गुणनफल क्या आएगा? मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। आपको मैं यहाँ पर एक और चीज बताऊंगा जो कारगर होगी, हो सकता है पेपर में पूछ ले, अभी तक नहीं पूछी गई है लेकिन पॉसिबल है, सी अपॉन ए। तो अब देखिए सी क्या है सर? माइनस का 4 और ए क्या है? 2, यानी कि ये बन जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर एक चीज और याद रखिए कि मूलों का अंतर भी कभी कभी पूछ सकता है, तो ये होता है भाई साहब रूट ऑफ डी अपॉन ए। क्या होता है? रूट ऑफ डी अपॉन ए, राइट? जरूरत पड़ सकती है लेकिन आप अभी यहां पर रखो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 7/2 आ गया है माइनस का, और अल्फा गुणे बीटा का मान -2 है। तो अल्फा इंटू बीटा अगर -2 है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। ये तो चीज कंफर्म हो गई, यानी आपके पास आखिरी जो होगा वो +4 होगा। ये बात आप समझ के चलिए, ठीक है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास 4 आ रहा है माइनस का। अच्छा, अब इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या आएगा, इसको समझिएगा। हमें मान चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ये कैसे निकलेगा? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दें तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आना कन्फर्म है। अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास ऑलरेडी है माइनस का 7/2, स्क्वायर करेंगे 49/4 आपको मिलेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज लिखा रहे दो, प्लस 2 अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा का मान -2 था तो -2 लिख देते हैं। बहुत साधारण सी चीजें समझ लीजिएगा। ये सर हो गया माइनस का 4, इसको इस तरफ ले आते हैं 49/4 था, प्लस 4 करेंगे आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। सॉल्व करते हैं, 4 × 16, 49 + 16 49 और 1 = 50 +15 अगर कर लें तो 65/4 आएगा, यानी इसका मान हो गया आपके पास 65/4। अब यही 65/4 आपको यहां रख देना है, इधर देखिएगा, यही रख देते हैं, इधर देखिए यहां से मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, इसका मान 65/4 एक्स, और यहां पर अपने पास 4 आ चुका है बराबर 0। अब 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4x² -65x और प्लस में आपके पास 16 आएगा बराबर 0। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा 4x² -65x प्लस 16। अब ये किस में दिया हुआ है आप देखिए, 4x² -65x प्लस 16, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ये जो दिख रहा है ये अपना सही जवाब होगा। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा और सोचिएगा कि ये जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं इतनी डिटेल में, इनको एक बार रिवीजन करने पर अगर आपके 2 से 3 नंबर कंफर्म होते हैं तो बुराई नहीं होनी चाहिए, 2 से 3 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें 17 अगस्त 18 अगस्त को तीनों शिफ्ट में, यानी इसकी तीनों शिफ्ट और इसकी भी तीनों शिफ्ट, यानी कि टोटल 6 शिफ्ट में अगर एक भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, अगर एक एक भी जोड़ेंगे तो 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? एक बार कमेंट करके सभी लोग ये बताइए कि इसी टाइप के छोटे छोटे वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए होंगे, किस प्रकार के प्रश्नों पर चाहिए होंगे, तो मैं उस पर भी आपको छोटे छोटे इसी प्रकार के शॉर्ट ट्रिक के वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।